सेक्रेटरी पंजाब आजम सुलेमान को अहदे से हटा दिया गया। जवाद रफीक मलिक का सूबाई ब्यूरोक्रेसी के नए सरबराह मुकर्रर कर दिए गए, जबकि आटा चीनी स्कैंडल चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली का बायस बना है। वफाकी हुकूमत ने जवाद रफीक मलिक को पंजाब का नया चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान का तबादला करते हुए उनको एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई है। नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक इससे कबल वफाकी सेक्रेटरी कम्युनिकेशन, चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी, सेक्रेटरी कौमी असेंबली, सेक्रेटरी सेहत पंजाब और कमिश्नर लाहौर डिवीजन भी रह चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान को हटाने का फैसला वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से वजीर आला पंजाब के दरमियान मुलाकात में किया गया, जबकि चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली के बाद सूबाई ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तबादले मुतवक्के हैं, जिसमें मुतादे डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स तब्दील होने का इम्कान जाहिर है। ज़राए के मुताबिक आटा और चीनी स्कैंडल साबिक चीफ सेक्रेटरी आजम सुलेमान की तब्दीली का बाइस बना, जबकि आजम सुलेमान ने स्कैंडल की तहकीकात करने वाली टीम को अहम सबूत फराहम किए।